जी फाइव ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। मासूम आदमी की जान लेने की कोशिश करने के जुर्म में नीलकंठ को नौकरी से निकाल दिया जाए। चाहत, मैं भी देखना चाहता हूँ तुम किसकी बात पर ज्यादा भरोसा करती हो। प्यार का मतलब सिर्फ अपने पति के लिए खाने का डिब्बा लाना नहीं होता है, मुसीबत की घड़ी में उसका साथ देना भी होता है। अगर नील मुझसे प्यार करते हैं तो एक बार मुड़कर जरूर देखेंगे। अरे वो नीलकंठ ध्यानी कहाँ है? वो किसी काम से बाहर गए हैं। आप उनकी वाइफ है ना? जी। ये लीजिए उनके इस हफ्ते की सैलरी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं घर जाकर उन्हें दे दूंगी। नील बेटा, कहाँ गई तेरी डॉक्टर मेम साहब नाम की पत्नी? अरे हाँ, वो तो मैडम बनी बैठी होगी अस्पताल में। और तू घर की साफ सफाई कर रहा है? रहने दे जमुना की बारी। इसने दूसरे धर्म की लड़की की दास्ता स्वीकार कर ली है। अस्वीकार तो इसने सिर्फ अपने परिवार को किया है। देखा कितना सोच समझ कर ऐसे समय पर घर वापस आई है कि जब पति ने पूरे घर की साफ सफाई कर दी है। मामी, अभी आंगन की पूरी सफाई बाकी है, वो मैं कर रही हूँ। बाय द वे नील, आपकी सैलरी। नीलकंठ को पगार तू दे रही है? एक स्त्री होकर इतना अहंकार कि अपने पति के हाथ में पैसे तू रखेगी? नहीं चाहिए मुझे ये पैसे। नहीं, क्यों नहीं चाहिए? ये आपकी मेहनत की कमाई है। आप कैंटीन से जल्दी निकल गए थे इसलिए मैनेजर ने मुझे पकड़ा दिया था। बोला ना नहीं चाहिए। इस पीड़ा और निराशा का सामना तो तुझे करना ही पड़ेगा। अपने भाग्य में आंसू स्वयं लिखे हैं तुमने। बाबा, मैं इतनी आसानी से नहीं। चाहत, चाहत देखो इन्हें क्या हो गया है। अरे रुको, अंदर कहाँ चले आ रहे हो? भाईजान, क्या हुआ है? इन्हें खून की उल्टियां हो रही हैं। आपको खून की उल्टियां कब से हो रही हैं? एक घंटा पहले हॉस्पिटल की कैंटीन में नाश्ता किया था, बस तभी से तबीयत खराब है। लेकिन कैंटीन के खाने से कैसे कुछ हो सकता है? वही खाना तो सभी ने खाया है ना, उन्हें तो कुछ नहीं हुआ। अरे नहीं साहब, वो जो आपकी कैंटीन में एक वेटर है ना, उससे मेरी लड़ाई हुई थी। मुझे तो लगता है साफ साफ उसने मेरे खाने में जानबूझ के जहर मिलाया। अगर ऐसा है तो आप मेरे साथ अभी चलिए, हम कैंटीन जाकर उस वेटर को पकड़ लेते हैं जिसने आपके खाने में मिलावट की थी। आइए। हाँ बाजी। अरे यही है वो वेटर जिससे मेरी लड़ाई हुई थी। ये कमीना यहाँ क्या कर रहा है? ए, चल, उठ। रुको, तुमने क्यों मिलावट की इनके खाने में? सिर्फ इसलिए क्योंकि ये मेरे पार्टी से जुड़े हुए हैं? महंस जी, अब क्या मुझसे बदला लेने के लिए आप मेरे पार्टी के लोगों का खून करवाएंगे? खबरदार, खबरदार जो सरोज जी का नाम बीच में लाए तो क्या करेंगे आप? अरे अब तो आप खुलेआम हमारे मजहब के लोगों को धमकियां दे रहे हैं। बस कीजिए मिसेस वेग,
खुदा के लिए हर मसले को मजहबी रंग देना बंद कीजिए। चलिए मैनेजर, इन्हें हॉस्पिटल चलते हैं। रुको, तुम पे कैसे भरोसा कर लू मैं? इनका इलाज करने के बजाय अगर तुमने इन्हें जान से मार दिया तो? मिसेस बेक, मेरे बाबा ने मुझे डॉक्टर, लोगों को शिफा देने के लिए बनाया है। वैसे आपकी भी गलती नहीं है, लोगों की खिदमत करने का जज्बा समझना आपकी बस की बात नहीं है। अच्छा, लोगों की खिदमत करना चाहती हो तुम, ठीक है। इनका इलाज करने के साथ साथ इन्हें इंसाफ भी दिलाओ। मैं हॉस्पिटल की ट्रस्टी हूँ और मैं चाहती हूँ कि एक मासूम आदमी की जान लेने की कोशिश करने के जुर्म में नीलकंठ को नौकरी से निकाल दिया जाए। जाओ और जाकर कह दो अपने शौहर से कि कल से नौकरी पर आने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ चाहत? बात शौहर पर आई तो लोगों की खिदमत भूल गई तुम? अरे इस बेचारे को इंसाफ मिले या ना मिले, तुम्हारे शौहर पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए, है ना? चाहत, मैं भी देखना चाहता हूँ तुम किसकी बात पर ज्यादा भरोसा करती हो। प्यार का मतलब सिर्फ अपने पति के लिए खाने का डिब्बा लाना नहीं होता है, मुसीबत की घड़ी में उसका साथ देना भी होता है। गजाला जी सही करी डॉक्टर, इस आदमी को निकाल ही देना चाहिए। वैसे भी ये करता क्या है, दिन भर सिर्फ खड़े होकर अपनी सेल्फी खींचता रहता है। एक मिनट, सेल्फी नजर आ रहा है कि आपके आदमी ने खुद खाने में जहर मिलाया था। मिसेस बेक, कब तक अपनी उंगलियों पर नाचने वाले इन आदमियों के साथ मिलकर हमारी जिंदगी को जहन्नुम बनाएंगी आप? मेरे नील तो दिन रात मेहनत कर रहे हैं बाबा के लिए दवाइयां लाने के लिए, और मिसेस बेक आप प्लीज यहां से चले जाइए, जिससे पहले इस आदमी की तरह मैं आपका इंसाफ आज यही कर दूं। रुको, अस्पताल के अभिभावक तुम ही हो ना, तो मेरा बेटा अब खुद वहां काम नहीं करना चाहेगा। लेकिन व्यास जी, नहीं नीलकंठ, तुम्हें यही चिंता है ना कि मेरा इलाज कैसे होगा। मैं जीवन भर इन पहियों से बंध के रहने को तैयार हूं, लेकिन तुम ऐसी जगह काम नहीं करोगे जहां हर रोज तुम्हारे आत्मसम्मान पर चोट की जाती हो। जीवन में इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता नीलकंठ, तुम वहां काम नहीं करोगे। आलेख जी, नीलकंठ की तरफ से त्याग पत्र लिख के इन्हें थमा दो। जी सर जी।
मिश्रा जी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।